सो गाइस, हमारा आज का पहला वर्ड है चढ़ा हुआ। चढ़ा हुआ को इंग्लिश में इरिटेटेड बोलते हैं। इरिटेटेड मीन्स चढ़ा हुआ। और डरा हुआ को इंग्लिश में हम अफ्रेड बोलते हैं। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। उदास को इंग्लिश में सैड बोलते हैं। सैड, सैड मीन्स उदास। नाराज को इंग्लिश में एनॉयड बोलते हैं। एनॉयड मीन्स नाराज। शर्मिंदा को इंग्लिश में अशेम्ड बोलते हैं। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा। उबा हुआ, जो उब जाता है, काफी उबा हुआ हमें फील करता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड मीन्स उबा हुआ। धोखा दिया, मतलब जो धोखा दिया हुआ होता है, उसको इंग्लिश में चीटेड बोलते हैं। चीटेड मीन्स धोखा दिया हुआ। आत्मविश्वासी को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बोलते हैं। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी। उलझन में, जो उलझन में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मीन्स उलझन में। जिज्ञासु को इंग्लिश में क्यूरियस बोलते हैं। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। उदास को इंग्लिश में डिप्रेस्ड बोलते हैं। डिप्रेस्ड मीन्स उदास। ईर्ष्या, ईर्ष्या को इंग्लिश में हम जेलस बोलते हैं। जेलस मीन्स ईर्ष्या। संकोची या फिर शर्मीला को इंग्लिश में शाय बोलते हैं। शाय मीन्स संकोची या फिर शर्मीला। जो डरा हुआ होता है, उसको हम इंग्लिश में स्केर्ड बोलते हैं। स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। भयानक को इंग्लिश में टेरिबल बोलते हैं। टेरिबल मीन्स भयानक। और फ्रेंड्स, जो दुखी होता है, उसको मिजरेबल बोलते हैं। मिजरेबल मीन्स दुखी। रोने वाला को इंग्लिश में वीपी बोलते हैं। वीपी मीन्स रोने वाला। चिंतित को इंग्लिश में वरिड बोलते हैं। वरिड मीन्स चिंतित। आशावान को इंग्लिश में होपफुल बोलते हैं। होपफुल मीन्स आशावान। चिड़चिड़ा को इंग्लिश में ग्रम्पी बोलते हैं। ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा। और भयभीत को इंग्लिश में एप्रेहेंसिव बोलते हैं। एप्रेहेंसिव मीन्स भयभीत। आश्चर्यचकित को इंग्लिश में एस्टोनिश्ड बोलते हैं। एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित। भय को इंग्लिश में ओ बोलते हैं। ओ। भावुक को इंग्लिश में इमोशनल बोलते हैं। इमोशनल मीन्स भावुक। आभारी या फिर एहसानमंद को इंग्लिश में ग्रेटफुल बोलते हैं। ग्रेटफुल मीन्स आभारी या फिर एहसानमंद। आलसी या फिर सुस्त को इंग्लिश में लेजी बोलते हैं। लेजी मीन्स आलसी या फिर सुस्त। डरपोक को इंग्लिश में स्नेकी बोलते हैं। स्नेकी मीन्स डरपोक। परेशान को इंग्लिश में अपसेट बोलते हैं। अपसेट मीन्स परेशान। सताया हुआ, जो सताया हुआ होता है, उसको हम इंग्लिश में विक्टिमाइज्ड बोलते हैं। विक्टिमाइज्ड मीन्स सताया हुआ। उत्साहित को इंग्लिश में हम एक्साइटेड बोलते हैं। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। थका हुआ को इंग्लिश में हम एग्जॉस्टेड बोलते हैं। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। उलझा हुआ, जो उलझा हुआ होता है, जिसके कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको हम इंग्लिश में पजल्ड बोलते हैं। पजल्ड मीन्स उलझा हुआ। निराश को इंग्लिश में हम डिसअपॉइंटेड बोलते हैं। डिसअपॉइंटेड
मीन्स निवास। बहादुर को इंग्लिश में ब्रेव बोलते हैं, ब्रेव मीन्स बहादुर। भूखा को इंग्लिश में हंगरी बोलते हैं, हंगरी मीन्स भूखा। प्यासा को इंग्लिश में थर्स्टी बोलते हैं, थर्स्टी मीन्स प्यासा। खुश को इंग्लिश में हम हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी मीन्स खुश। क्रोधित को इंग्लिश में हम एंग्री बोलते हैं, एंग्री मीन्स क्रोधित। घबराया हुआ को इंग्लिश में हम ओवरवेलम्ड बोलते हैं, ओवरवेलम्ड मीन्स घबराया हुआ। शर्मिंदगी को इंग्लिश में हम एम्बेरेस्ड बोलते हैं, एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मिंदगी। बेचैन को इंग्लिश में हम नर्वस बोलते हैं, नर्वस मीन्स बेचैन। हैरान को इंग्लिश में हम शॉक्ड बोलते हैं, शॉक्ड मीन्स हैरान। शक्की को इंग्लिश में हम सस्पिशियस बोलते हैं, सस्पिशियस मीन्स शक्की। दुष्ट को इंग्लिश में हम मेलिशियस बोलते हैं, मेलिशियस। दयालु को इंग्लिश में हम काइंड बोलते हैं, काइंड मीन्स दयालु। और फ्रेंड्स, गर्व को इंग्लिश में हम प्राउड बोलते हैं, प्राउड मीन्स गर्व। दोषी को इंग्लिश में हम गिल्टी बोलते हैं, गिल्टी मीन्स दोषी। संतुष्ट को इंग्लिश में हम सेटिस्फाइड बोलते हैं, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। बीमार को इंग्लिश में हम सिक बोलते हैं, सिक मीन्स बीमार। सुस्त को इंग्लिश में हम स्लीपी बोलते हैं, स्लीपी मीन्स सुस्त। निवास को इंग्लिश में हम फर्स्ट वेटेड बोलते हैं, फर्स्ट वेटेड मीन्स निवास। इंसान तनाव में होता है उसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस्ड बोलते हैं, स्ट्रेस्ड मीन्स तनाव में। असुरक्षित को इंग्लिश में इनसिक्योर बोलते हैं, इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित। अकेला को इंग्लिश में हम लोनली बोलते हैं, लोनली मीन्स अकेला। जख्मी को इंग्लिश में हम हर्ट बोलते हैं, हर्ट मीन्स जख्मी। शांत को इंग्लिश में हम काम बोलते हैं, काम मीन्स शांत। और काम के अंदर जो एल है ये साइलेंट होता है इसलिए हम इसको काम पढ़ेंगे। चुपचाप को इंग्लिश में हम क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट मीन्स चुपचाप। ना समझ को इंग्लिश में हम गूफी बोलते हैं, गूफी मीन्स ना समझ। उत्सुक को इंग्लिश में हम ईगर बोलते हैं, ईगर मीन्स उत्सुक।